नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ दो वजह के लिए. एक तो क्या फ़ायदा है एक फिल्म को रिलीज़ करना जब लोग थिएटर में नहीं आएंगे. क्या फ़ायदा है एक फिल्म को रिलीज़ करना जब लोग थिएटर में बैठ के बहुत उत्सुक होंगे कि यार कोई खांसी कहीं से आ रही है, किसी की छींक कहीं से आई है, हम भाग जाएंगे. बेहतर यह है कि ये पूरा जो एक डेंजर है इसे हम कंट्रोल करके फिर जब लोग जाएंगे थिएटर में तो फिर दे'ल जस्ट गो टू एंजॉय द फिल्म. दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट ऑफ इट, मैं इसलिए भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ क्योंकि बिफोर द रेंज का जो पब्लिसिटी है, छोटी सी फिल्म है तो हम थोड़ी थोड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं. अब इन सब इंटरव्यूज़ के बाद लोगों को पता चलेगा कि ठीक है ऐसा एक फिल्म है, तो दो तीन दिन बाद अगर फिल्म रिलीज हो तो आई थिंक इट्स मच बेटर फॉर दिस फिल्म. बिफोर द रेंज इज अ पीरियड फिल्म सेट इन 1930s. इट्स अ स्टोरी अबाउट लव, इट्स अ स्टोरी अबाउट बिट्रेयल, इट्स अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप. इट्स वेरी लेयर्ड. While it is a period film, I think it's also relevant in our times. You know, the human emotions are universal. वही चीज़ें तब भी थी, आज भी हैं, प्यार की, दोस्ती की. So in many ways it's very relatable. It was released almost 2 years ago. I mean, it was premiered at the Toronto Film Festival about 2 years ago, and it's taken quite a while to come here. We're sad, but we're also happy that it's finally at least come here. It's been released in the UK, in the US, and it's done very well there, in New Zealand, Australia. So let's hope that people here also like it. It's a beautifully short film. तो हमने देखिए टेलीविजन के लिए मैंने हिंदी डब किया है, तो ये तो ज़रूर सैटेलाइट पे निकल जाएगा और उसमें हिंदी डब होगी. लेकिन अभी रिलीज़ के लिए मैं मानता हूँ इट्स ओनली इन इंग्लिश. मेरा कैरेक्टर सजानी का है जो एक ट्रेडिशनल माहौल से है लेकिन एक ब्रिटिश फैमिली में काम करती है. और कई बार जितनी मतलब प्रेम कहानियाँ जो बनी है, जो तब भी बनी थी और अभी होती है, हम उसमें देखते हैं कि अपने जो जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के बावजूद लड़के जब एक लड़की प्यार में पड़ती है, तो उसी तरह की कहानी है जिसमें वो एक हाउसकीपर है एक ब्रिटिश घर में और अपने जो मास्टर है यानी जो लाइनस रोज का जो कैरेक्टर है उसके साथ उसका एक लव रिलेशनशिप होता है. लेकिन जब असलियत सामने आती है, ही इज़ अ मैरिड मैन, ही इज़ अ अंग्रेज़, उसका हस्बैंड, उसका घर में उसका हस्बैंड है, तो इन सारी चीज़ों से वो किस तरह से जूझती है, क्या उनकी रिलेशनशिप कहाँ जाके पहुँचती है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. 1937 में ये फिल्म सेट हुआ है और मेरा किरदार एक मलयाली गांव का लड़का है जो अंग्रेज़ी मिशनरी स्कूल में पढ़ के थोड़ी बहुत उसने इंजीनियरिंग सीखी है. ही नाउ नोज हाउ टू बिल्ड रोड्स, वो सड़क बनाता है. तो ब्रिटिश बॉस के लिए वो सड़क बना रहा है क्योंकि ब्रिटिश बॉस ने कहा है कि ये सड़क के साथ गांव में प्रगति होगी, ट्रेड बढ़ेगा. तो वो ब्रिटिशर्स के प्रति वो बहुत सपोर्टिव है. उन्होंने रेलवेज बनाए, उन्होंने अभी सड़क बना रहे हैं, स्कूल्स बनाए, तो ही थिंक्स ब्रिटिश आर गुड फॉर इंडिया. लेकिन फिर एक हादसा होता है उसके ब्रिटिश बॉस और उसके बचपन के दोस्त नमिता दास के साथ, और उस हादसे में उसे किसी एक साइड का लॉयल्टी लेना पड़ता है. तो ही पुट्स हिज लॉयल्टी ऑन वन साइड. लेकिन फिल्म में हम देखते हैं कि इस लॉयल्टी को बदलना पड़ता ही है उसको, और क्या और क्यों और कैसे. संतोष के साथ मैंने पहली बार काम किया है लेकिन काफ़ी दिनों से मैं करना चाहती थी और हम लोग हमेशा कई बार मिलते थे तो बात यही करते थे. मैं उनके प्रोड्यूसर से अलग से मिली थी जब मैं कान में थी एज ए ज्यूरर, और संतोष से अलग से मिली तो बहुत अच्छा लगा कि दोनों ही चाहते थे कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बनूं. और इससे अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ शायद मैंने काम कभी नहीं किया. तो संतोष के साथ तो बहुत मज़ा आया. ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड अ वंडरफुल पर्सन. और राहुल के साथ तो पहले मैं काम कर चुकी हूँ, ये हमारी तीसरी फिल्म है. और लाइनस रोच, बाकी सभी कास्ट, इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. नंदिता एंड आई हैव हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप ओवर टू फिल्म्स वी हैव डन. दिस इज आवर थर्ड फिल्म एंड वी आर वेरी 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 क्लोज. वी हैव ग्रेट फ्रेंडशिप. शी इज़ अ वेरी वार्म, इंटेलिजेंट, फनी, गुड एक्ट्रेस. तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है. जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं एक दूसरे को हम कहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम यू हैव टू बी सटल और स्लाइटली यू नो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से अबाउट ईच पर्सन्स परफॉर्मेंस. संतोष जैसा कोई डायरेक्टर मैंने अभी तक किसी के साथ काम नहीं किया है.
more, log on to www.erosentertainment.com.